हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक वही पुराने टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ, बेबी का प्राइवेट पार्ट कैसे खोलते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे इंस्टाग्राम पे बहुत मम्मा के मैसेज आ रहे थे कि मेरे बेबी का नहीं खुल रहा है, प्लीज़ एक डेमो वीडियो बना के भेजिए प्लीज़। तो आज मैं आपको एक डेमो वीडियो बना के भेज रही हूँ, दिखा रही हूँ कि आपको कैसे खुलना है। साथ में ऊपर इंग्लिश में भी मैं लिख के दे दूँगी, कुछ लोग हैं जिनको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो उनके लिए इंग्लिश में मैं लिख दूँगी, तो आप लोग वैसा कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि एक वीडियो वैसे मैं डाल चुकी हूँ तो इसलिए ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट में होगा विद प्रैक्टिकल। तो आइए आपको मैं बताती हूँ। देखिए, तो बच्चों का प्राइवेट पार्ट बहुत ही सॉफ्ट होता है, उनको आप 4 साल तक खोल देना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट है उसमें कि आप बच्चे का, आप मान लीजिए दिस इज़ अ प्राइवेट पार्ट, ये बच्चे का प्राइवेट पार्ट है और ये है उसकी फोर स्किन, ठीक है। तो ये फोर स्किन, हाय बेबी, देखिए मेरा बेबी। तो ये बच्चे का प्राइवेट पार्ट है, इसकी ये फोर स्किन है, ये बंद रहता है। जब बच्चे का बंद होता है तो ये ऐसे ऊपर तक बंद रहता है, ये देखिए बिल्कुल भी अंदर का नहीं दिखता, मतलब ये ऊपर से ऐसे चिपका होता है, छोटा सा छेद होता है, तो ये ऐसे बंद रहता है। फिर जब हम इसको ओपन करना होता है तो हम क्या करते हैं कि इसमें ना 2 ड्रॉप ऐसे ऑयल डालते हैं, ऐसे फिंगर से आप डालिएगा ऑयल, 1 एंड 2 डूडर। और डालने के बाद फिर आप स्किन को धीरे से ऐसे नीचे करिएगा, ऊपर करिएगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नीचे ऊपर नीचे, पहले थोड़ी खुलेगी फिर थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे आप करते रहेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। फिर लगभग आपको इसको ओपन करना है, इतना ओपन करना होता है, मैं आपको बताती हूँ कि आप कि इस मान लीजिए फोर स्किन है तो आपको फोर स्किन जब ओपन होगी तो फाइनली वो इतनी आपकी फिंगर इतनी तो ओपन हो ही जानी चाहिए, इतनी होती है ऊपर से आपको दिखने लगेगा अंदर की स्किन पूरी, तो इतनी ऊपर। तो इस प्रोसेस को आपको दिन, तो स्किन को ऐसे ऊपर नीचे करना है, ऐसा करने आपको बच्चों कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आप थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा थोड़ा थोड़ा उसको पुल करिए, जैसे थोड़ा सा रोज ज़्यादा हो तो ज़्यादा होते होते वो फाइनली हमको इतना खोलना है, इतना ही खुलता है बेबी का प्राइवेट पार्ट, इतना खोलेंगे तो ठीक हो जाएगा। दिन में 2 से 3 बार यह प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस है जिसमें कि यही प्रोसेस दोबारा होता है, मतलब इसमें थोड़ा सा वो होता है, बस इसमें भी ऐसे फोर स्किन, जैसे ये फोर स्किन हमने बेबी की है तो इस पर हमने 2 बूंद ऑयल डाला, 2 ड्रॉप ऑयल डाला ऐसे, ठीक है। फिर हमने ऐसे स्किन को पकड़ के और ऐसे कस के एक फूंक मार दी, बस इतना मारने बाद इसको बंद कर दीजिए और बंद करके आप छोड़ दीजिए उसको। दिन में 2 से 3 बार जब भी बेबी की मसाज करते हैं, जब बेबी को वॉशरूम होके आता है तब आप ऐसा करेंगे तो इससे भी ओपन हो जाती है। ये भी आपको प्रोसेस दिन में 2 से 3 बार करना है। और लास्ट प्रोसेस है जो थर्ड प्रोसेस है जो कि आपको, तो तीसरा प्रोसेस होता है जिसमें तीसरे प्रोसेस में होता है, जब भी आप बेबी को जब आप नहलाते हैं, क्योंकि हम एक ही बार नहलाते हैं तो ये प्रोसेस एक ही बार कर सकते हैं, तो जब नहलाते हैं बेबी को तो अपनी गोद में लेटा लीजिए। गोद में लेटाने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को ऐसे एक हाथ से पकड़ लीजिए, ऐसे सीधा एक हाथ से पकड़ लीजिए और उसके प्राइवेट पार्ट की ये टिप है, इस टिप पर अपने मग से, जिससे भी आप मतलब मग होता है वॉशरूम में, मग से नहलाते हैं तो आप उससे ना ऐसे एक धार बना के, देखिए मैं आपको बता रही हूँ, एक धार बना के उसके टिप पर ऐसे ऊपर से, थोड़ा ऊपर से एक धार बना के उसके टिप पर गिराइएगा, इस तरह से उसके टिप पर ही गिरना चाहिए। आप ऐसे पकड़े रहेंगे तो उसके टिप पर ही एक धार बना के गिराइए, जिससे कि उसका उस पार्ट पे थोड़ा थोड़ा आप खुद ही देखेंगे पानी गिरेगा तो वो ओपन होने, जब आप पानी गिराएंगे तो आप खुद ही देखेंगे वो ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा खुल रहा है। तो जब वैसे खुलने लगे बस उसको ऐसे ही थोड़ी देर तक एक मग पानी आप धार बना के डालिए तो उससे वो खुल जाएगा। इस तरह से आप तीनों प्रोसेस करिए डेली बेसिस पे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ओपन हो जाएगा वो। तो आप जैसे ही उसको करेंगे वो अपने आप ही खुल जाएगा और आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी, बच्चे को भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन हाँ, मैं आपको फिर से बताती हूँ, ये प्रोसेस सिर्फ 4 साल तक ही कर सकते हैं। आप जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे आपके बेबी का प्राइवेट पार्ट उतनी जल्दी खुल जाएगा। कुछ लोग धीरे धीरे करते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, 1 से 2 साल भी लग जाते हैं ओपन करने में। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं होती, आपका बच्चा 2 साल का है तो भी आप अभी भी आपका उसका प्राइवेट पार्ट ओपन हो सकता है। लेकिन अगर नहीं होता है तो भी उसमें डरने की बात नहीं है, किसी किसी बच्चे का जल्दी नहीं ओपन हो पाता है तो आप उसको डॉक्टर के पास ले जाइएगा। डॉक्टर एक प्रोसेस करता है उससे तुरंत खुल जाता है, बस वो थोड़ा सा पेनफुल होता है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।